चलिए जो वाइट स्ट्रिप लगे हैं बस बार में बोल चुका हूँ, वाइट स्ट्रिप के बीच में कोई भी गाड़ी ना लगे, वाइट स्ट्रिप जो रोड का एरिया उससे बाहर आप गाड़ी ना लगाएं। जब तक उसको अंदर ना आ जाए तो आप देख रहे हैं रफ्तार समाचार और मैं हूँ वीनेश जी। हाँ, आपको बता दें कि आई जो शादी चौक है ये खुला खुला नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर जो है तमाम दर्शकों को दिखाएं हमारी। जो आज जो सराथिया चौक है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, सराथिया चौक उनके निवासियों को ही नहीं बल्कि जो है उधमपुर शहर वासियों के लिए है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर इसके बारे में किसी ने संघर्ष किया है वो है लोक विकास दल के प्रधान और पार्षद विक्रम सिंह सराथिया जी, जिनके जिनके जो काफ़ी संघर्ष के बाद जो यह संभव हो पाया है कि ये जो सराथिया चौक था एक दुर्घटना का कारण बन चुका था। यहाँ पर आए दिन जहाँ पर जो सड़क हादसे भी हुए हैं ये भी आपने देखा हुआ है, परंतु आज जो है ट्रैफिक पुलिस और जिला आयुक्त के आदेशों के अनुसार जो है आज यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी और जितनी भी जहाँ पे मेडोर पार्क होती थी या गाड़ियाँ जहाँ पे पार्क होती उन्हें सबके सब यहाँ से हटाया गया है। जी हाँ, इस समय जो है विक्रम सिंह सराथिया जी जो है जहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि उनके कड़े संघर्ष के बाद जो है आज ये सफलता हासिल हुई है और सराथिया चौक जो है इसमें काफ़ी राहत मिली है जामीन को लेकर। सर, सबसे पहले रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे जहाँ से सराथिया चौक से सर आए? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो हैं उनका जो जो आर्डर किया है उन्होंने उनका मैं स्वागत कर उस आर्डर का मैं स्वागत करता हूँ। और आपको पता है कि कौंसल के अंदर भी इस सराथिया चौक का जो स्टाफ था जो स्टैंड में तब्दील हुआ था उसके लिए काफ़ी गर्मी गर्मी रहती थी और तमाम कौंसलों ने उस वक्त भी इसको लेके माना कि इसको इमीडिएटली शिफ्ट होना चाहिए। फिर डिप्टी कमिश्नर को फिर उसके साथ बात हुई और डिप्टी कमिश्नर को मैंने एडीसी साहब को इसमें रखा, एडीसी साहब ने जो आर्डर लिया किया उसमें एसएसपी ट्रैफिक सीआरटी ओडों पर सीईओ म्यूनसिपल काउंसिल और उसके बाद बार एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल को सजेशन के लिए इन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने भी माना कि ये जो है ट्रैफिक जो है जहाँ पे जो स्टाफ है जो स्टैंड में तब्दील हुआ है इसको इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए। तो इस मौके पे मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, खासकर मैं अपने तमाम कौंसलों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कंजेशन को समझा और जो ये स्टैंड बना हुआ था इसको शिफ्ट करवाने में हमारी मदद की, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस